नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। आज के शो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जाइंट्स हैं, विकिपीडिया, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब किस तरीके से हिंदू भावनाओं को हर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ भी कई बार हुए होंगे। मैं प्रूफ के साथ आया हूँ, इंस्टाग्राम ने जो किया उसके साथ आया हूँ, बाकियों ने जो किया है उस पर अगर स्पेसिफिक वीडियो बनेगी तो उसके साथ अलग से आ जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं, आप रिलेट करेंगे। आगे मैं धीरे धीरे इंसिडेंट शेयर करूंगा। अगर कोई नया है, मैं चाहता हूँ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना, क्योंकि रेशियो यही दिखाता है कि वीडियो देखने वाले 90% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए लोग हैं, वीडियो पूरी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करके जाइएगा। और किसी तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन करना हो तो सारे तरीके डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। आपके ऐसा करने से मुझे और ऐसी वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो। हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। तो बिना डिले के उस पोस्ट पे आते हैं जो इंस्टाग्राम पे है, और ऐसे इस पोस्ट का सिर्फ ये एक रेफरेंस नहीं है, ऐसे पोस्ट का पूरा पूरा पेज होता है। एक ऐसे ऐसे पेजेस बने हैं, चाहे पाकिस्तानी लोगों ने बनाया है, चाहे कहाँ कहीं के लोगों ने बनाया हो, पेजेस हैं 50-100 की तादाद में, पोस्ट हैं मूर्तियों के ऊपर गंदी गंदी तरीके से आकृतियां बना के, एडिट करके, अलग अलग मूर्तियों का अलग अलग अर्थ निकाल के। अभी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, इस पोस्ट को मैंने रिपोर्ट किया। इंस्टाग्राम ने यही ऑप्शन दिया था कि आप रिपोर्ट करिए, अगर आपको कुछ लगता है कि गाइडलाइन के अगेंस्ट हो सकता है, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, आप करिए रिपोर्ट। मैंने किया, तुरंत रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई। आप देख सकते हैं कि लिखा है कि यू हैव सबमिटेड अ रिपोर्ट, हमने लिया, रिव्यू किया। उसके बाद ये लिखते हैं कि हमने इसमें कुछ ऐसा नहीं पाया जो हमारी गाइडलाइन के अगेंस्ट हो। तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि कोई हिंदू देवी देवताओं के ऐसे चित्रों को ऐसी जगह पर इस्तेमाल करे, हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हों, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हों, और आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो उस चीज़ को डील कर सके। अगर आपका प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को पनाह दे रहा है तो बाकी लोग कहाँ जाएं? क्या वहाँ पे रहें और ऐसे लोगों को देखते रहें और कुछ ना कर सकें? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? या तो आप ये कह रहे हैं कि हम आपको उकसा रहे हैं उस हद तक कि भारत में आप इंस्टाग्राम का ऑल्टरनेटिव खोल लीजिए, जैसे चाइना करता है। अमेरिका के हर बड़े ऐप का उसके पास ऑल्टरनेटिव है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, ये कहीं से छुपी हुई बात नहीं है। वही हरकत फेसबुक भी करता है, वही हरकत यूट्यूब भी करता है। आपको पता होगा कि जितने ये जो बड़े बड़े, उनको कहा जाता है कि वो राइट विंगर्स हैं, अगर फॉर द टाइमिंग कह दें, मैं तो इंडिक विंग कह देता हूँ, इंडिया विंग कह दीजिए, कुछ भी कह दी, मैं राइट विंग नहीं कहना चाहता, वो एक एक्सट्रीमली दूसरा साइड होगी, लेकिन अभी के लिए कह देते हैं, लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो जितने ये राइट विंगर यूट्यूबर्स हैं, इनकी जो जो बड़ी बड़ी वीडियोज आती हैं उसमें कभी भी कुछ भी आपत्तिजनक लेफ्टिस्टों को, कम्युनिस्टों को, इस्लामिस्टों को, या जो भी है वो फोर्सेस जो भारत के खिलाफ, उनको अगर पसंद नहीं आती तो वो वीडियो को हटने में बहुत समय नहीं लगता, और तब उनके पास ऐसी गाइडलाइंस भी निकल आती हैं कि उन वीडियो को हटा दिया जाए। स्ट्रिंग की वीडियो के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं, जिस जिस चैनल पे लोगों ने अपलोड किया उस चैनल से हट दिए वीडियो, बस तब कम्युनिटी गाइडलाइंस थी। मैंने भी वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी, वो मेरे इंस्टाग्राम से भी हटा दिया गया, उसके लिए भी इनके पास कम्युनिटी गाइडलाइन थी। मुझे लगता है उसमें क्या ऐसा आपत्तिजनक था। फिर मैंने उसको वो रिव्यू में डाला कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसको मैनुअल चेक किया जाए। जब मैनुअली चेक किया गया तो उसमें कुछ नहीं पाया गया और वापस वो वीडियो आ गई। तो या तो मैं ये समझूं, जब आप मैनुअल लेबर लगाते हैं तो कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन आपका AI, आपके जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जिससे ये चेक होता हो कि क्या गाइडलाइन के खिलाफ है क्या नहीं है, वो ख़राब है, वो इस तरीके से नहीं बने हैं जो ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकें, जो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता हो, ऐसे पोस्ट को डिटेक्ट कर सकें। ऐसे पूरे पूरे पेजेस हैं मेरे पास, स्क्रीन शॉट्स हैं पेजेस के, मैं सब दिखा सकता हूँ। अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अश्लील है, दिखाने लायक नहीं। अगर कभी जनता की डिमांड रही ज़्यादा इन लोगों की, उत्पात मची ये सोशल मीडिया पेजेस की, तो दिखाने में मैं कभी चुकूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ इस बात में जनता मेरा सपोर्ट करे, ट्विटर पर टैग करे, जहाँ आपको जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू इनके अकाउंट तक पहुँचाना है पहुँचाइए, और उनको ये एहसास दिलाइए कि अगर आपके लिए आपका यूज़र बेस, उनके लिए उनका यूज़र बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना यूज़र बेस उतने उनके प्लेटफॉर्म्स पे ऐड चलेंगे, उतने उनके प्लेटफॉर्म्स के ऐड की वैल्यू होगी,
उतना उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर आपने ये डर पैदा कर दिया, जनता से मैं कह रहा हूँ, डर पैदा कर दिया कि अगर हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया तो आपका यूज़र बेस हम बदल के रख देंगे, शिफ्ट कर देंगे, भारत में एक नया अल्टरनेटिव ऐप क्रिएट होगा, हो सकता है, बहुत पोटेंशियल है, हो सकता है होगा, सारा यूज़र बेस शिफ्ट हो जाएगा, आपका रेवेन्यू गिर जाएगा। कैसे, जो टेंसेंट के साथ हुआ, अगर नहीं आते तो एक बार जाकर उनका चेक कर लो कितनी बुरी हालत है, तो वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगी। आप लोग थोड़ा जवाब देना सीखिए, कब तक बर्दाश्त करेंगे, इस हद को डिफाइन करिए कि इस हद तक ही बर्दाश्त करेंगे, इसके बाद हम जवाब मांगेंगे या जवाब देंगे। तो जिस दिन ये चीज़ तय हो गई, उस दिन ये लोग भी ये सब बदमाशी करना बंद कर देंगे। और अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, किसी भी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन हो तो करिए, जैसा मैंने शुरुआत में बताया आपको। और अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ फेस किया तो कमेंट बताइए कि किस किस मौके पे, कैसे कैसे पोस्ट पे अगर आपने रिपोर्ट किया है या फिर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है लेकिन उसका समाधान कुछ नहीं हुआ है, इस बारे में कमेंट बताइए। अगर बहुत सारा कुछ कंटेंट जुट गया तो उस सबको कंपाइल करके मैं एक साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ आऊँगा और इन लोगों को हम लोग इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर बैठ के दिखाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।